सर आपने वैक्सीन लगवाई लगवाई थी, कहा तो वैक्सीन थी भाई। हाय राम, पूछो मत। ठीक है, लगवा लेना, मतलब ऐसा मैं नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड कर रहा अगेंस्ट द वैक्सीन, जस्ट इन अ ह्यूमरस वे। यस, वी ऑल शुड गेट वैक्सीनेटेड, क्योंकि सरकार ऐसा बोलती है तो मैं भी बोलूँगा, और सारे पढ़े लिखे लोग ने बोला है तो मैं भी बोलूँगा। ठीक है, कहा तो मज़ा आया था वैक्सीन लगा के 2 दिन। ठीक है, वैक्सीन लगवाने गए हम लोग, तो वहाँ पे बैठे हम गए थे, आसिम सर हैं ना फाउंडेशन वाले, वो गए थे, और सैयम बडोला सर जो हैं मैथ्स वाले हैं, ठीक है, वो गए थे। हम 3 लोग गए थे वैक्सीन लगवाने, हम, आसिम सर जो SST पढ़ाते हैं फाउंडेशन में, और सैयम बडोला सर, गए वैक्सीन लगवाने हम लोग वहाँ पे। तो बोला कि बैठिए, अभी 1 घंटा लगेगा। तो आसिम सर हमको बोलते हैं, सर आप तो कुछ मतलब 1 घंटा वेट करेंगे क्या सर, आप कुछ जुगाड़ लगाइए कि मतलब सर, मतलब आप सर फिजिक्स वाला है सर, ऐसे कैसे मतलब कुछ जुगाड़ लगाइए, कुछ जल्दी हो जाए। हमने को भी लगा कुछ जल्दी हो जाएगा, बाहर हम लोग उतरे थे किससे, ओला ऑटो से, तो क्या ही जुगाड़ लगेगा। उसके बाद भागते भागते पहुंचे थे, 12 बजे का टाइम मिला था, 12:45 किसी तरह से पहुंच गए थे, गिरते पड़ते एकदम टाइम पे पहुंच गए थे लास्ट में 12:45 में वैक्सीन लगवाने। तो और स्लॉट बुक था, फिर उसके बाद गए वहाँ, तो हम बाहर गए बात करने, तो हमको एक दीदी टाइप की दिखी, दीदी कह लो भैया कह लो, मतलब दीदी कहेंगे ना उनको, क्या कहेंगे, आंटी बोल नहीं सकते, मैम दिखी, एक मैम दिखी, तो वो सब संभाल रही थी। तो हम मैम के पास जाने का सोचे, और मैम किसी को वहीं पर डांट रही थी, किसी एक अंकल को, आपसे कितनी बार कहा ऐसे लाइन मत तोड़िए। हमने कहा अरे भैया ये तो हमारे बैच मैनेजर जैसी स्ट्रिक्ट दीदी हैं, कोई इनसे नहीं निपटेंगे, PW के बैच मैनेजर टाइप हैं। तो हमने कहा भैया ये तो नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने एक दो बार कोशिश किया, उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे, अब एक तो शक्ल ऐसी किसी की तरफ ज़्यादा देर देख लो तो अलग दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे हम देख रहे थे, तो उन्होंने ऐसे देखा, तो उनको लगा ये का है, का है, का बम बम लेके आया, का है, का दिक्कत है इसको, कुछ बीमारी मार है, क्या करना है, वैक्सीन चुरा लेगा, शक्ल से ऐसा लग रहा था वैक्सीन चोरी हो रही ना कर ले। ठीक है, तो फिर उन्होंने ऐसे हमको घूरा, ऐसे घूरा, फिर उसके बाद वो हमारे पास आई, यस सर डू आर यू नॉट फीलिंग वेल, तो हमने कहा नहीं, हम सब सही हैं, वरना हमको ऊपर जाके एडमिट कर देते थे। फिर नीचे अंदर जाके हम लोग एक वेटिंग रूम में बैठे, वेटिंग रूम में एक चाचा बैठे हुए थे, ठीक है, तो जो चाचा बैठे थे, तो मतलब चाचा क्यों, हम लोग ऐसे सबको चाचा बोलते हैं, ठीक है, रियल ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वेटिंग रूम में एक गार्ड चाचा बैठे हुए थे, तो फिर गार्ड चाचा अलग मस्ती ले रहे हैं, क्या है ये वो। फिर हम लोग गए भैया वैक्सीन लगा, और वैक्सीन मारा, फिर हमने उनसे पूछा, मैम ये बताइए फीवर कब आएगा, तो उन्होंने कहा सबको नहीं आता, आप ही क्यों पूछ रहे कब आएगा, हमने कहा हमको भरोसा आएगा। फिर उसके बाद गए वापस वेटिंग रूम में, 15 मिनट बैठाते हैं देखने के लिए कि कहीं ये कुछ हो तो नहीं जाएगा, 15 मिनट आपको चेक करते हैं लगवाने के बाद। तो वहाँ वेटिंग रूम में ले जाके बैठाया, उसके बाद जो आसिम सर हैं वो हमसे कह रहे हैं कि कोई नोबेल प्राइज़ विनर है, वो कह रहा है जितने लोग वैक्सीन लगवाए सब गए। हमने कहा अरे अब बता रहे हो आप, 10 मिनट पहले बता देते यार। ये कह रहे सर वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो अभी किसी को पता ही नहीं, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म हुआ नहीं। हमने कहा अरे नाउ अब बता रहे हो ये सब, कैसा अभी तो वैक्सीन स्टार्ट हुई, अभी लगा, अभी तो लॉन्ग टर्म किसको ही पता है सर, लॉन्ग टर्म तो बाद में स्टडीज में लिखा जाएगा। हमने कहा अरे, इतनी देर में हम ऐसे बैठे थे, हमको अचानक से चक्कर सा आया, हमने कहा गए, दिस इज द लास्ट मोमेंट, डन। फिर कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हाथ पे वही रख के, क्या होती है रुई, हाँ कॉटन रख के फिर चले आए, और क्या खत्म। तो ये थी, लगवा लाए वैक्सीन, आप भी लगवा लिए। फोटो खींचे थे कि नहीं? नहीं, फोटो नहीं खींचे थे, ये मिस कर गए यार फोटो की। अरे वो जो वहाँ पे वो बैच मैनेजर दीदी भैया, फोटो नहीं खींच सकते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थी वो, ठीक है चांसेस नहीं थे।